ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग, भाई बहुत हो गया, भाई बहुत हो गया, मेरे को गाली गलौज जो मर्जी करना कर, तेरी माँ की आंख। भाई आज हम सुनने वाले हैं भाई, बस बहुत हो गया, ठीक है ना, अब बहुत हो गया तेरी माँ की। तो भाई कृष्णा का एक गाना जो कि अरसे से लीक हुआ हुआ है, अभी मेरे सामने है, एक महीना हो गया लीक हुआ हुआ, और लीक हुआ हुआ से याद आया कि कुछ नहीं याद आया। तो भाई कृष्णा का गाना जो पंजाबी आर्टिस्ट के साथ ये कर रहे हैं, और इसका नाम मुझे नहीं आता, तेगी पन्नू यसु पंजू आर को पोतर। भाई मैंने इसको एक गाना सुना हुआ, आई थिंक वही मेरे दोस्त ने सुनाया था, बड़ा मजे का था, नाम मुझे भूल गया यार। मैं सिद्धू करण आजकल ही सुन रहा होता हूँ, सिद्धू मैं मतलब ज्यादातर सुनता हूँ, और ये कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पंजाबी बहुत से आर्टिस्ट हैं। खैर उसके साथ कृष्णा आया और के आर डॉलर साइन मुर्शिद। भाई ये लीक गाना है, तो लीक से मुराद ये भी हो सकता है कि क्या पता ये गाना ऐसा हो ही ना, मतलब नया जो आया वो थोड़ा अलग हो। लेकिन भाई बहुत हो गई भाई, सबर माँ जूता ने क्या माँ की कुछ बहन जो, हम सुनेंगे, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं भाई। अब सबने सुनी लिया तो हम क्यों ना सुने, बड़ा इंतजार किया भाई हमने, कहा आ जाएगा लेकिन बस चट्टां दे चल दे सके जे तेरियां चलने रीलां एड पर मोशन लाके सबण होना चा चट्टां दे चलदे सिक्के तेरियां चलदियां रीलां पर मोशन लाके सबण होना चमकीला ने मैं तू पचाऊंगा लाल जुड़ंगी फरारी जुत्ती दी नोक ते रखा ओ तेरे जेहे अनाड़ी बगाने रानी मल्ले सराने यार नी पल्ले पहले वल पिछे मेरे जट दा सोलो चले पुतों ने जट जरीले तंगे जो मंगे ना पानी तोर तो अख पछाणा कल दा शोर ना जानी जट्टां दे चल दे सिक्के जे तेरियां चलने रीलां पेड पर मोशन लाके लबण होना चमकीला जैसे ना खर्च हुआ स्टिल बी इज बिग शोरों शोरों से तुम बोलोगे तभी भी बोलोगे नहीं तुम सोलो में से के बच्चे फेलिंग वीक थ्रो इन अप गैग्स लाइक अमेजिंग चीज बट द ओनली थिंग। सो बेसिकली जो गाना स्टार्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं इस वर्ष से मिलता जुलता, इस तरह के कृष्णा क्योंकि एमिवे का सीन हुआ हुआ है, और मतलब एमिवे को नाम लेना जरूरी नहीं है, बेसिकली इस तरह के तुम टोलों में भी गाने बना लो और तुम इस तरह करके भी बना लो, हम ऊपर ही रहेंगे, मतलब हम लाइक यार ये मुझे मजे का लगा इसे डिलीवर किया था, थोड़ा थोड़ा मुझे छी आप थ्रू वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन याद आया फॉलो ऑफ का चीज बट द ओनली पीस एंड फीस यू नो आर द वंस बिटवीन योर एक्स एंड डी सो की बात तो ये कुएं में झील इफ इट्स बीफ ये छुए में झील करेंगे इन लोगों के जैसे ना खर्च हुआ स्टिल बी इज बिग शोरों शोरों से तुम बोलोगे तभी भी बोलोगे नहीं तुम सोलो में से के बच्चे फेलिंग वीक थ्रोइंग अप गैग्स लाइक अमेजिंग चीज बट द ओनली पीस एंड फीस यू नो आर द वंस बिटवीन योर एक्स एंड डीज सो ए बी सीज एक्स डीज ब्रो ये नहीं मुझे पता थ्रोइंग अप गैग्स लाइक अमेजिंग चीज बट द ओनली पीस एंड तो आजकल गाने जो चल रहे हैं यार, इस चीज के ना ऊपर एक डिबेट बनती है। एक वक्त मुझे टिकटॉक बहुत बुरा लगता था, अभी टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन है बट उसकी 36,000 चीजें छोड़ रही हुई है, और अब तो इंस्टाग्राम आ गया तो टिकटॉक बैन नहीं है, टिकटॉक का नाम बदल दिया हुआ। जैसे पहले क्या था, एक था टिकटॉक से पहले भी वीडियो पता नहीं कुछ करके था, तो भाई वो ना कल्चर थोड़ा अजीब सा है, उसमें आर्टिस्ट ये कहता है कि भाई ऑर्गेनिकली, और मैं भी ये मानता था कि आर्टिस्ट का बहुत ज्यादा लोड़े लग जाते हैं, उसको व्यूज आ जाते हैं, उसको जनरेट हो जाती हैं चीजें, बट यू नो शॉर्टकट्स बन जाते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव साइड मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ठीक है, पॉजिटिव साइड ये है कि भाई वो शॉर्टकट को हम शॉर्टकट कहना छोड़ दें, और मैं असल में ये सोचता हूं क्योंकि यार हमारे हाथ में तो नहीं है तरक्की दुनिया, ये तो दुनिया के हाथ में है, और निजाम कुदरत कुदरत के नहीं इंसानों के हाथ में कि वो किस तरह किस चीज को डील करते हैं। तो अब रील्स पे भी आ जाते हैं और चीजें बन जाती हैं, और मतलब
फेक शिट वाली चीज होती है ना, जो अंजुम भी बोला हुआ कई जगह, ये मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, डिबेट बहुत लंबी चली जानी है। तो तू हम रियल है और तू रील्स पे कर रहा है, तेरे गाने इस तरह के हैं, और उसी तरह जैसे तनी तही तही पन्नू जो भी नाम है इनका, इन्होंने भी शुरुआत में ही बोला। तो कृष्णा ने हमेशा कोशिश की अपने गानों के अंदर ना ऑर्गेनिकली, और ऑर्गेनिकली से मुराद ये नहीं है व्यूज, मतलब रियल रहने के लिए। उसका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, इसके अंदर वो बोलता मुझे नहीं शौक है मैं बताऊं कि अभी मैं ये इधर हूं अभी मैं इधर हूं, वो थोड़ी ना दिमाग में बोझ लगता है। अगर आप मुसलसल कॉन्स्टेंटली किसी चीज को देते रहो ना, चुतियापा लगने शुरू होता है, ठीक है ना, और ये हर बंदे की साइकी होती है, तो नहीं अच्छा लगता। कई लोगों को बहुत शौक होता है दूसरों की जिंदगियों में घुसने का, एवी तो नहीं टक्की और साद मजदर जो भी है इनका नाम, मुझे नाम भी नहीं आते, इनके लोग देखते क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट, तो वो मिक्सडअप चीज को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा, मैं भी नहीं समझा पा रहा, मां की चुप। हानिकारक बात तेरी बात बात दर्द था, हानिकारक बात यानी हानिकारक बात, भारी आतंकवाद जारी भागम भाग, भारी आतंकवाद भारी आतंकवाद जारी भागम भाग, जाली नाटक फांस मारी हाथों हाथ, इनकी बातों का तो खास नहीं तालुका, जैकेट पहले तू चमकीला पर बन नहीं पाएगा तू चमकीला, जब बोलूं दिस इंडस्ट्री फुल ऑफ बिचेस तो ए ए ए ए जिक्र नहीं कर रहा मैं, ए नट तेरी मां की चूत, ये लन का नट है मैं चूत, ये लन का नट है, बोलूं दिस इंडस्ट्री फुल ऑफ बिचेस तो जिक्र नहीं कर रहा मैं बंदी का या तेरा दारू ना मुंह पर दी बेस छटी। शाउट आउट टू एमसी स्टैन, शॉर्ट आउट टू एमसी स्टैन, लेकिन उसकी लाइन थोड़ी अलग थी, ये पसंद है आज भी वो, लेकिन वो रान, लेकिन यहाँ पे मैं बिचेस की बात है, ये कृष्णा की थिंग है ब्रो, ये इस तरह ही है कृष्णा। कृष्णा का मैंने हमेशा देखा, जब भी उसके गाने के बीच में वर्स होते हैं ना, एक होता है गाना अपना और एक गाने के बीच में वर्स होते हैं, तो वो अभी वो आगे बोल पड़ा है तो लाइक 40-30 सेकंड का बीच में एक वर्स रखता है, और उसके बीच में कोशिश करता है कि जितनी चीजें मैं डाल दूं उसमें रैम स्कीम जो आतंकवाद और वो सारा करना पड़ेगा ना, वो मेरे को समझना पड़ेगा, तो जितना खिंच के वो रख सकता है ना, वो रख सकता है, मतलब वो चाहता है कि मैं जब मेरा गाना कोई सुने एज ए व्यूअर तो वो 10-15 मिनट मेरे पे लगा दे, समझ रहे हो तुम, ये वो वाला सीन। तो हाँ बापू दी ना पिठ लवाई वेचण दत्ता नी किला जटां दे चल दे सिक्के जे तेरियां ओके आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही है, ये बीट चेंज, एक सेकंड बीट को नहीं चाहिए। सो बेसिकली इतना ही था, और भाई मैं सीधी बात बता दूं मैंने क्यों सुना, भाई नहीं रुका जा रहा था भाई, मैंने सुनने को दिल था मेरा, मैंने ना मैं इन चीज़ों के लिए रुकता नहीं हूँ कि भाई वो गाना आया तो उसका इंतजार करना, ये करना है माँ की चूत भाई, गाना ना सुने हम लोग। तो बात ऐसी है कि तेगी मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं सच बोलूँ तो मैं जैसे करण ओजला, तो मैं करण ओजला के लिए भी आया था गाना सुनने के लिए, जिसमें ये बैलेंसियागा की शर्ट पहनी हुई है जो भी पहना हुआ है फोटो, मैं इसको सुनता नहीं, और मेजोरिटी में सिद्धू के बाद मैं देखता हूँ, मेजोरिटी मैं ये नहीं कहूँगा सारे, बट मेजोरिटी सिंगर्स जितने भी हैं सिंग कह रहा हूँ पंजाबी, उनके फ्लोज बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं और वो थर थर की बात करते हैं, और वो मुझे सिद्धू करण में ही मिल जाता, तो मैं उससे ज़्यादा कोई ऐसा एक आधा आ जाता गाना जो दिलजीत का होता है, या मैं ये बोलूँ या उसका नाम क्या है परमेश्वर में वो गाल निकटनी वो, तो दो चार ऐसे गाने आ जाते हैं जिनको मैं सुन लेता हूँ, अगेन कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ पंजाबी का, मैं लाहौरी हूँ तो मेरे को पंजाबी के अंदर मेरे बसी हुई है तो हमें समझ आ जाती होती है। बात है हम कृष्णा के लिए आए थे, और कृष्णा ने जो ए सी बी वाली बात की है ना, तो वो मुझे उससे वो स्टिल का इंट्रो याद आ गया, आई थिंक एल्बम का था स्टिल हेयर वो वाला, तो मुझे वो याद आ गया, ये भी शायद कुछ ना कुछ मिलता होगा, मैं इस टाइम जहरी बात है रोककर एक एक लफ्ज को कोश को पकड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ मैंने बीच में बोल दिया बहुत खिंच के, छोटा वर्स अच्छा वर्स, सो इसलिए मैंने गाने पर किया कि भाई लोग मुझे डेली कहते थे आ गया आ गया आ गया, तो आ गया जब मैं खोलता था होता कुछ नहीं था, मैंने कहा भाई हम सुनेगा, अब बोलो अब सुनेगा, अब हमने नहीं देखना कि आया कि नहीं आया, तो जब आएगा जब हम फिर से सुन लेंगे, और होपफुली बीट और थोड़ा यू नो थोड़ा बदल के आएंगे गाना, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि बहुत देर हो गया लीक हुए, उनको खुद पता होगा कि लीक हो चुका होगा,
तो अगर लोगों ने सुन लिया तो लोग चाहेंगे इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो। और ये मुझे लग रहा है किसी ने रिकॉर्ड किया मोबाइल से, साफ़ नहीं है आवाज़, मतलब लीक भी हुई में साफ होती है तो वो नहीं है। मैं तो हम किसी अगली वीडियो पे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। बाबा जी यस कमांडो।